गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज गुड नेबर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड नेबर्स? नेबर्स कौन होते हैं हमारे? जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, मतलब हमारे जो पड़ोसी जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में। और गुड मीन्स अच्छे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड नेबर्स? गुड नेबर्स मीन्स अच्छे पड़ोसी। नाउ इन दिस चैप्टर टू नेबर्स आर टॉकिंग and the name of the first neighbor is Rahul and the second neighbor is Nitin. So what they are talking, let's see. Rahul, hello Nitin. जो Rahul है उसने Nitin को hello बोला. Nitin, hello Rahul, I am very surprised. अब जो Nitin है उसने क्या बोला? उसने भी Rahul को hello बोला, लेकिन उसने क्या बोला? I am very surprised. Rahul, oh, so you live in Gupta enclave? It is a very nice place. अब Rahul ने क्या बोला? अच्छा तो तुम Gupta enclave में रहते हो, और जो गुप्ता एनक्लेव है वो एक बहुत अच्छी जगह है। नाइस प्लेस मीन्स अच्छी जगह। नितिन, येस इट इज़ वेरी नाइस। नितिन ने भी क्या बोला कि हाँ वो एक बहुत अच्छी जगह है। राहुल, इफ़ यू डोंट माइंड विल यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ एन एनक्लेव? अब राहुल ने नितिन से क्या पूछा कि अगर तुम माइंड ना करो, तुम्हें बुरा ना लगे, तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज़ एन एनक्लेव? एक एनक्लेव क्या होता है? नितिन, एन एनक्लेव इज़ अ ग्रुप ऑफ हाउसेज सराउंडेड बाय अ वॉल। इट इज़ एन एनक्लोज्ड कॉलोनी विथ गेट्स। अब नितिन ने उसे क्या बताया कि एनक्लेव क्या होता है? एनक्लेव इज़ अ ग्रुप ऑफ हाउसेज सराउंडेड बाय अ वॉल मीन्स एनक्लेव वो होता है जो बहुत सारे हाउसेज एक साथ बने हुए होते हैं, लेकिन वो एक वॉल से सराउंडेड होते हैं, मतलब वो उसके चारों तरफ वॉल्स होती हैं जो कि कैसी लगती हैं? लाइक एक कॉलोनी, जो हर ऐसा नहीं लगता कि वो रोड्स पर बने हुए हाउसेस एक कॉलोनी लगते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से वॉल से सराउंडेड होती है, और उसके जो एंट्रेंस पे क्या होता है? एक गेट, जिससे वो एक अलग कॉलोनी लगती है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? एनक्लेव। नाउ राहुल, डू यू हैव प्लेग्राउंड्स एंड शॉप्स इन योर एनक्लेव? अब राहुल ने क्या पूछा कि तुम्हारा जो एनक्लेव है उसमें प्लेग्राउंड्स और शॉप्स हैं? नितिन, येस वी हैव अ बिग प्लेग्राउंड, सम शॉप्स एंड अ PCO। नितिन ने उसे क्या बताया? हाँ, हमारे एनक्लेव में प्लेग्राउंड है जहाँ हम खेलते हैं, और कुछ शॉप्स हैं एंड अ PCO। PCO मीन्स जहाँ से फ़ोन कॉल्स किए जा सकते हैं। आई प्ले विद माई ब्रदर एंड फ्रेंड्स, और मैं अपने ब्रदर और फ्रेंड्स के साथ वहाँ खेलता हूँ। माई फ्रेंड्स ऑल्सो लिव इन दिस एनक्लेव, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी उसी एनक्लेव में रहते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स तपन इज़ माई नेक्स्ट डोर नेबर, और मेरा जो एक फ्रेंड है तपन, वो मेरा नेक्स्ट डोर नेबर है। नेबर मीन्स तो आपको पता है क्या होता है? पड़ोसी। नेक्स्ट डोर नेबर मीन्स जो बिल्कुल उसके घर के साइड में रहता है। हिज फादर इज़ अ डॉक्टर इन आर्मी, और उसने क्या बताया कि जो तपन के फादर हैं, जो तपन उसका फ्रेंड है, उसके जो फादर हैं वो डॉक्टर हैं आर्मी में। ही इज़ अ वेरी गुड नेबर, वो एक बहुत अच्छा नेबर है। ही इज़ वेरी हेल्पफुल, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हर चीज़ में मेरी हेल्प करता है। नाउ नितिन, वेयर डू यू लिव राहुल? अब नितिन ने राहुल से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? राहुल, आई लिव एट 261 शिवाजी कॉलोनी इन द कैंटोनमेंट। अब राहुल ने क्या बताया कि वो कहाँ रहता है? कि मैं शिवाजी कॉलोनी में रहता हूँ, और उसका हाउस नंबर क्या है? 261 इन द कैंटोनमेंट। नाउ कैंटोनमेंट किसे बोलते हैं? कैंटोनमेंट बोलते हैं जो आर्मी एरिया होता है, जहाँ पे आर्मी के हाउसेस बने हुए होते हैं ना, जो मिलिट्री स्टेशन होता है, जो सारे मिलिट्री के लोगों के लिए होता है, उसे बोलते हैं कैंटोनमेंट। वी हैव अ ह्यूज ओपन ग्राउंड विद मैनी ग्रीन ट्रीज एंड अ स्मॉल मार्केट नियर बाय, और हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे ग्रीन ट्रीज हैं और एक स्मॉल मार्केट है पास में। नियर बाय मीन्स पास में। We also have a military hospital and a school in our neighborhood. और वहाँ पे एक military hospital है जो कि सिर्फ military के लोगों के लिए होता है, and a school in our neighborhood. और उनके neighborhood में ही एक school है, जैसे कि जो वो पूरा area है तो वो उनका पूरा neighborhood हो गया, तो वो school भी उनके neighborhood के अंदर ही आता है। Nitin, wow, it's very nice, Rahul. Nitin ने क्या बोला कि wow, ये तो बहुत अच्छी बात है। Would you please tell me about your neighbors? क्या तुम मुझे अपने नेबर्स के बारे में बताओगे? राहुल, एडवोकेट सुबोध, SDO मिस्टर शर्मा एंड मेजर विकास लिव नियर माय हाउस। अब उसने क्या बताया कि जो एडवोकेट सुबोध हैं, SDO मिस्टर शर्मा एंड मेजर विकास, वो मेरे घर के पास रहते हैं। नियर मीन्स पास। नील इज़ माय गुड फ्रेंड, और उनमें से एक नील है, वो उसका बहुत अच्छा
फ्रेंड है, ही इज़ मिस्टर शर्मा सन, और वो किसका बेटा है, मिस्टर शर्मा का। हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव विद हिम, और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं मतलब उसके जो दादा दादी हैं वो भी उन्हीं के साथ रहते हैं। ही टोल्ड अस वेरी नाइस स्टोरीज, और वो हमें बहुत अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं। स्टोरीज मीन्स कहानी। आई एन्जॉय टॉकिंग टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स, और मुझे उनके ग्रैंड पेरेंट्स से बात करके बहुत अच्छा लगता है। इन्जॉय मीन्स अच्छा लगना। नितिन, डू यू प्ले विद ऑल द फोर फ्रेंड्स? अब नितिन ने क्या पूछा, क्या तुम अपने चारों फ्रेंड्स के साथ खेलते हो? राहुल, येस, दे आर वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल ऑल्सो ऑफ अस लाइक अ बिग फैमिली। वो तो राहुल ने क्या बोला कि हाँ, मैं उन चारों के साथ खेलता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और हेल्पफुल हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उसकी हर चीज़ में हेल्प भी करते हैं। ऑल ऑफ अस आर लाइक अ बिग फैमिली, और वो सब लोग एक दूसरे को फैमिली ही मानते हैं। नितिन, वी आर वेरी लकी वी हैव सच गुड नेबर्स। अब नितिन ने क्या बोला कि हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमारे पास इतने अच्छे नेबर्स हैं। राहुल, येस यू आर राइट, वी आर लकी, गुड नेबर्स आर अ ब्लेसिंग। अब राहुल ने क्या बोला कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम बहुत लकी हैं, गुड नेबर्स जो होते हैं वो एक ब्लेसिंग होते हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है कि जिन्हें गुड नेबर्स मिलते हैं, बहुत लकी होते हैं वो।